तो हमने अभी तक यूरोप के सारे कंट्रीज़ पढ़ लिए हैं, तो वी विल रिवाइज क्विकली, हम फटाफट से एक रिविजन करते हैं। हमने किस तरीके से पढ़ा था यूरोप को? हमने पढ़ा है यूरोप को क्लस्टर्स में। तो फर्स्ट क्लस्टर क्या था? आइसलैंड, आयरलैंड, यूके। दिस वॉज अवर फर्स्ट क्लस्टर। जस्ट सी, दिस इज अवर फर्स्ट क्लस्टर, आइसलैंड, आयरलैंड, यूके, थ्री कंट्रीज फर्स्ट क्लस्टर। सेकेंड वॉज स्कैंडिनेविया, जिसमें था नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। स्कैंडिनेविया में कौन कौन से चार कंट्रीज आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। देन थर्ड क्लस्टर वॉज बाल्टिक स्टेट्स। क्या था थर्ड क्लस्टर? बाल्टिक स्टेट, जिसमें क्या क्या है? इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। दीज थ्री कंट्रीज आर इन बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक रीजन है ये, इस रीजन को बाल्टिक रीजन बोला जाता है। तो ये कौन कौन से कंट्रीज हैं? थ्री कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। नेक्स्ट क्लस्टर इज पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। ये कौन सा था? मैंने आपको बताया था आइबेरियन पेनिनसुला है ये। इसमें क्या क्या है? पुर्तगाल, इस क्लस्टर में क्या है? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। नेक्स्ट क्लस्टर जो हमने पढ़ा था वो था लग्जमबर्ग, जिस ये छोटा सा जो कंट्री है, दिस इज लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। दिस इज क्लस्टर ऑफ फोर कंट्रीज, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लस्टर पढ़ा था स्विट्जरलैंड, इटली, सैन मेरिनो एंड रोम। कलर्ड मैप में दिखा देती हूँ, ये नेक्स्ट क्लस्टर था स्विट्जरलैंड, इटली, सैन मेरिनो एंड वेटिकन सिटी। स्विट्जरलैंड, इटली, सैन मेरिनो एंड वेटिकन सिटीज, दीज आर द फोर नेक्स्ट क्लस्टर ऑफ फोर कंट्रीज। इसके बाद जो क्लस्टर हमने पढ़ा था वो था चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। अगेन चार कंट्रीज, जो कि हम सेंट्रल यूरोप में आ गए हैं, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। इसके बाद वाला क्लस्टर था पोलैंड, बेलारस, यूक्रेन। बहुत बड़े बड़े तीन कंट्रीज, पोलैंड, बेलारस, यूक्रेन, तीन कंट्रीज। नेक्स्ट क्लस्टर उसी के एडजस्टेंट नेक्स्ट क्लस्टर हम देख रहे हैं मालडोवा, रोमेनिया, बुल्गेरिया एंड ग्रीस। दिस इज ग्रीस, मालडोवा, रोमेनिया, बुल्गेरिया एंड ग्रीस। ख़त्म। नेक्स्ट जो है ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर, सर्बिया, अल्बेनिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, ये सारे छोटे 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 कंट्रीज हैं जिनके आपको नाम बस आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि दीज आर ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज। तो इस तरीके से हमारा पूरा यूरोप खत्म होता है, विदाउट एनी नेमोनिक्स हमने पूरे यूरोप को लर्न किया है। तो आपको इसी तरीके से लर्न करना है, आई विल शेयर द PDF लिंक, आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी ऑर्डर में आप लर्न करेंगे तो आपको किसी निमोनिक फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लास्ट क्लस्टर है इसको आपको लोकेशंस लर्न नहीं करने हैं, बट आपको नाम पढ़ लेना है, बट ग्रीस तक आपको लोकेशन वाइज पता होना चाहिए, क्योंकि हमने एक लोकेशन वाइज ही पढ़ा है आइसलैंड, आयरलैंड, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, बाल्टिक स्टेट में इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, देन पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, देन लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। इसके बाद नेक्स्ट क्लस्टर आता है स्विट्जरलैंड, इटली, वेटिकन सिटी एंड सैन मेरिनो। नेक्स्ट इज चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। नेक्स्ट इज पोलैंड, बेलारस, यूक्रेन। नेक्स्ट इज मालडोवा, रोमानिया, बुल्गेरिया एंड ग्रीस। दैट्स इट। एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज यू शुड नो द नेम, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया एंड हर, सर्बिया, कोसोवो, अल्बेनिया, मॉन्टेनिग्रो। और कुछ कंट्रीज के तो नाम मैंने इधर मेंशन भी नहीं किए, या हमने शायद टोटल 39 कंट्रीज देखे हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं छोटे छोटे जिनके मैंने नाम नहीं मेंशन किए हैं, तो क्यों नहीं किए हैं वो मैंने जानबूझ के नहीं किए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है माल्टा, एक आइलैंड कंट्री है, और टर्की भी है इसका पार्ट, टर्की जो यूरोप वाला पार्ट, यूरोपियन टर्की। सो ऐसा करके टोटल 44 कुछ कंट्रीज़ बन जाते हैं। द मेजर कंट्रीज़ यू शुड नो, मेजर कंट्रीज़ का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि इसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है। अगर आपको पहले कंट्री के नेम और लोकेशन पता रहेगा तो आपको आगे सब कुछ धीरे धीरे आप इस पर ओवरलैप करके यू कैन लर्न ऑल द मैप। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा यूरोप का मैप पढ़ने में, आई होप आपको बिना निमोनिक्स के लर्न हो जाएगा। आपको बस रिवाइज करना है, जिस तरीके से अगर आप क्लस्टर्स बना के रिवाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विल मीट यू अगेन।